नमस्कार नमस्कार। आज मैं आपको पीपीएफ स्कीम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये गवर्नमेंट की स्कीम है और बिल्कुल सिक्योर स्कीम है। इन जो सामने आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, इसको गो थ्रू होने से पहले मैं आपको कुछ अपनी तरफ से पीपीएफ अकाउंट के बारे में बताना चाहूँगा। जो पीपीएफ स्कीम है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, टोटली गवर्नमेंट की स्कीम है। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, जो कि नॉर्मल प्रोविडेंट फंड से डिफरेंट है। प्रोविडेंट फंड के बारे में आपको पता ही होगा कि ये हर कंपनी अपने उसमें, जो प्राइवेट कंपनी होती है या गवर्नमेंट होती है, उनका एक प्रोविडेंट फंड होता है, उसमें आपका पैसा जमा होता है। ये टोटली डिफरेंट है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप अपना पैसा खुद जमा करते हैं और ये बिल्कुल सिक्योर रहता है। इसको ओपन आप किसी भी बैंक में जाके करा सकते हैं, चाहे वो बैंक आपका गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो। इसका पैसा सीधा गवर्नमेंट के पास जाता है, तो इसलिए ये सिक्योर होता है। और क्या कहते हैं, ये स्कीम आपकी, अगर हम बात करें तो ये लॉन्ग टर्म स्कीम है, 15 साल की स्कीम होती है। उससे पहले आप इसमें पैसा नहीं निकाल सकते। जब 15 साल मैच्योर हो जाते हैं तभी आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन उसके कई ऐसी भी चीजें हैं कि जैसे आप लोन ले सकते हैं कुछ साल बाद, तो मैं आपको पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने आपके सामने ये चीजें दिख रही होंगी कि व्हाट इज पीपीएफ स्कीम, पीपीएफ स्कीम क्या होती है। तो स्कीम इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये लंबे टाइम की स्कीम है, 15 साल की नॉर्मली होती है, जो कि 1968 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड के एक्ट में ये लागू की गई थी, गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो हु कैन ओपन अकाउंट अंडर पीपीएफ स्कीम, इसमें लिखा है कि कौन पीपीएफ स्कीम ले सकता है या पीपीएफ अकाउंट अपना ओपन करा सकता है। तो लिखा हुआ है कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल अपना अकाउंट पीपीएफ में, पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकता है, और एक ही अकाउंट, एक मेंबर एक ही अकाउंट खोल सकता है। मैं चाहूँ तो, अगर दो ओपन कराना चाहूँ तो मैं दो अकाउंट नहीं खोल सकता अपने नाम से। तो मेरे नाम पे एक ही अकाउंट रहेगा। आप ये किसी माइनर के लिए भी, माइनर के बिहाफ पे भी आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप किसी भी बैंक पे जाइए, वहां से फॉर्म लीजिए कि मुझे पीपीएफ का अकाउंट खुलवाना है। वो आपको फॉर्म दे देंगे, उसको फिल करके दे दीजिए, आपका पीपीएफ अकाउंट खुल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाएगा, आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो आप उसे अपने जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट है उसके साथ इंटीग्रेट करा सकते हैं। तो जब आप इंटीग्रेट करा लेंगे तो आपको ऑनलाइन दोनों अकाउंट दिखेंगे, सेविंग अकाउंट भी दिखेगा और पीपीएफ अकाउंट भी दिखेगा। तो इन केस अगर आपको पीपीएफ अकाउंट में पैसा जमा करना भी है तो आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा बार बार, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसमें करा सकते हैं। और आप उसको, पीपीएफ की सबसे अच्छी बात है कि उसमें आपको पूरा विजिबिलिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंसी रहेगी, आपको आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो आपको उसमें दिखता रहेगा। अब हम तीसरे पे जाइए कि हु कैन नॉट ओपन पीपीएफ अकाउंट। तो एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और एनआरआई ये अकाउंट नहीं ओपन करा सकते हैं। इसकी लिमिट के बारे में भी मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि जैसे ये 15 साल की स्कीम है तो इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि आपको 10,000 जमा करना ही है हर साल। ये स्कीम इसलिए भी अच्छी, अगर हम इसे दूसरे पॉलिसी से कंपेयर किया करें तो आप देखते होंगे कि दूसरी जो पॉलिसी है उसमें आपको फिक्स अमाउंट हर साल देना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई भी पॉलिसी ली, एक्स वाई जेड, 30,000 आपको, 15 साल की स्कीम है और आपने उसमें हर साल आपको 30,000 जमा करने हैं। बट इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या कुछ भी हो जाता है जिसकी वजह से आपके पास पैसा नहीं रहते हैं, तो आप अगर पैसे नहीं जमा कर पाए तो आप डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाओगे और वो स्कीम कंटिन्यू हो पाएगी। लेकिन पीपीएफ में अगर आप ये चीज देखें तो पीपीएफ में अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आती है तो आप सिर्फ 500 रुपये जमा करा के उस साल उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं है कि आपको 30,000 रुपये जमा ही करना है या 50,000 जमा करना है। इसमें यह कि मिनिमम हर साल आपको 500 रुपये जमा करना है और मैक्सिमम 1.5 लाख तक आप रुपए उसमें जमा कर सकते हैं।
तो इसमें कुछ ऐसा बाउंडेशन नहीं है, जैसी सिचुएशन है। हो सकता है बिजनेसमैन के लिए तो और भी सही है कि जब पैसा बहुत ज्यादा है तो आपने इकट्ठे 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए, कम है आमदनी उतनी हुई नहीं है तो आप 500 रुपए देकर इसे कंटिन्यू करा सकते हैं, ये इसकी सबसे बेस्ट चीज है। सीधे आगे आए, व्हेन डज पीपीएफ अकाउंट मैच्योर एंड कैन पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू विद डिपॉजिट आफ्टर मैच्योरिटी। इसमें लिखा है कि ये कब तक जो पीपीएफ अकाउंट कितने टाइम तक रहता है, और अगर हम चाहें कि जैसे उसके बाद भी कंटिन्यू करना तो क्या हम उसे कंटिन्यू करा सकते हैं, तो बिल्कुल करा सकते हैं। आप देखेंगे कि ड्यूरेशन इसकी 15 साल है, लेकिन आप उसके बाद भी 1 साल या 5 साल के पीरियड के लिए आप कंटिन्यू करा सकते हैं, और इंटरेस्ट आपको वही मिलेगा जो वैसे मिलता है। फिलहाल तो ये इंटरेस्ट रेट है ये वेरी करते रहते हैं, अभी फिलहाल 2015 में इंटरेस्ट रेट 8.7 चल रहा है इसका। इसमें लिखा है व्हेन इज एन अकाउंट ट्रीटेड एज डिसकंटिन्यूड, ये अकाउंट कब बंद हो जाएगा। तो इसमें सीधा लिखा, अगर आप 500 रुपए जो डालने चाहिए मिनिमम, अगर वो भी आप साल में नहीं डालेंगे तो ये आपका डिसकंटिन्यू हो जाता है। अगर आपने डिसकंटिन्यू हो गया है और आप इसको फिर से रनिंग पोजीशन पे लाना चाहते हैं, मतलब कि आपने 500 रुपए नहीं जमा किए हैं और साल निकल चुका है और आप इसे कंटिन्यू कराना चाहते हैं, तो आप वो भी करा सकते हैं। आपको पेनल्टी 50 रुपए की देनी पड़ेगी और जो आपको 500 रुपए जो साल का रहता है वो आपको उसमें बैंक में जमा करना पड़ेगा अपने पीपीएफ अकाउंट में। इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट रेट इज नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ ऑफिशियल गैजेट फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो करंटली इट इज 8.7 पर एनम। मैंने पहले भी कहा कि 8.7% इसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है। इज नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल अंडर स्कीम। आप किसी को नॉमिनेट करना चाहते हैं कि इन केस कुछ अगर आपने अकाउंट खोला और कुछ साल बाद आपकी डेथ हो गई, तो नॉमिनेशन उस चीज के लिए होता है। तो इसमें यही बोला है कि क्या नॉमिनेट फैसिलिटी है इसमें, तो यस, पीपीएफ में आप नॉमिनेट भी कर सकते हैं कि अपने बाद आप किसको चाहते हो कि वो जो पैसा है वो उसको मिल जाए। कैन देयर बी ए चेंज इन नॉमिनेशन, क्या आप जैसे नॉमिनेट को बाद में चेंज भी करना कर सकते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं भैया कि नॉमिनेशन बीबी के नाम पे कर देते हैं, फिर बीबी सही नहीं निकलती है तो वो सोचते हैं कि यार नॉमिनेशन चेंज कराना है, तो उसकी फैसिलिटी भी रहती है कि आप अपना नॉमिनेशन कभी भी चेंज करा सकते हैं। क्या पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर भी किया जा सकता है? बिल्कुल, आप पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर आराम से करा सकते हैं, कहीं से कहीं ट्रांसफर करा सकते हैं, बस आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अब देखिए, वेदर लोन फैसिलिटी और पार्शियल विड्रॉल इज अवेलेबल अंडर पीपीएफ। बिल्कुल सही, इसमें आपको लोन फैसिलिटी आराम से मिल जाती है और आप इसमें क्या पार्शियल विड्रॉल भी करा सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है कि लोन फैसिलिटी 25% तक मिल जाती है, जितना आपका बैलेंस होता है फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका 25% आपको परसेंट आपको लोन मिल जाता है, लेकिन जो उसका आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है वो 2% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जितना पीपीएफ का रेट इंटरेस्ट रेट चल रहा है प्लस 2%। जैसे अभी 8.7 चल रहा है तो आपको 10.7 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और बाद में आप इसको जब वापस करना चाहें तो इसे आप एक वन लमसम में भी आप इसे रिटर्न कर सकते हैं, या फिर 2-3 मंथ में इंस्टॉलमेंट पे भी इसे आप रिटर्न कर सकते हैं। इस पार्शियल विड्रॉल अलाउड फ्रॉम ए माइनर अकाउंट, इसमें लिखा है क्या पार्शियल आधा जो अमाउंट है वो आप विड्रॉल करा सकते हैं फ्रॉम ए माइनर अकाउंट, जो आपने अपने बच्चे या किसी के नाम पे अकाउंट ओपन करा रखा है। यस, विड्रॉल फ्रॉम ए माइनर अकाउंट इज अलाउड फॉर विच द डिक्लेरेशन एज एंटर ऑब्टेन। आप बिल्कुल करा सकते हैं उसे, जिस गार्जियन के अंदर आपने उसको डाल रखा है उसके थ्रू आप इसे बिल्कुल वो कर सकते हैं। कैन ए पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू विद डिपॉजिट आफ्टर मैच्योरिटी, ये लिखा है कि अगर 15 साल की मैच्योरिटी हो गई उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करा सकते हैं। यस बिल्कुल, जैसे मैंने बताया 1 साल या 5 साल और आप इसे कंटिन्यू करा सकते हैं, डिपॉजिट भी डाल सकते हैं, आपको इंटरेस्ट रेट वही मिलेगा। इसमें लिखा कैन पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू विदाउट डिपॉजिट, तो विदाउट डिपॉजिट भी ये आप कंटिन्यू करा सकते हैं आगे तक। जैसे 15 साल की स्कीम है, आप 15 साल के बाद भी चाहते कि पैसे ना निकले और आपको उसका इंटरेस्ट मिलते रहे, तो आप उसके आगे उसे कंटिन्यू करा सकते हैं।
उसके बाद आपको कुछ जमा करने की जरूरत नहीं है, तब भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर आप जमा कराना चाहते हैं कुछ पैसा तो भी आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। कैन नेम ऑफ द अकाउंट बी चेंज ऑन द अकाउंट ऑफ मैरिज ऑफ फीमेल सब्सक्राइबर? ऑब्वियसली अगर शादी हो जाती है तो फीमेल अपना नाम चेंज करा सकती है उसमें। हाउ इज द रीपेमेंट ऑफ बैलेंस इन द पीपीएफ अकाउंट डन आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर? अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उस केस में जिसने अकाउंट खोल रखा है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसका रीपेमेंट कैसे होगा, वो चीज इसमें है। अगर किसी की डेथ हो जाती है तो जो नॉमिनी उसने डिक्लेयर किया जाता करता है उसको सारा पैसा मिल जाता है। डज द पीपीएफ अकाउंट अर्न इंटरेस्ट आफ्टर द डेथ ऑफ सब्सक्राइबर? अगर कोई सब्सक्राइबर जिसने अकाउंट खोला उसकी डेथ हो जाती है तो क्या उसके बाद भी उस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा? बिल्कुल, अगर पीपीएफ अकाउंट कंटिन्यू रह सकता है और आप में आपको उसमें इंटरेस्ट भी मिल सकता है, मिलता रहेगा। सॉरी, वेदर प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ पीपीए अकाउंट इज अलाउड? मतलब कि 15 साल हुए नहीं है और आप उससे पहले उसे क्या क्लोज करा सकते हो? नहीं, क्लोज तभी होगा जब जिसने अकाउंट खोल रखा है उसकी डेथ हो जाए। व्हाट आर द इनकम टैक्स बेनिफिट अवेलेबल अंडर पीपीएफ? इसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाऊंगा कि क्या फायदा है इसका इनकम टैक्स में। फर्स्ट, जितना पैसा आप हर साल जमा करते हैं उसका तो आपको टैक्स बेनिफिट होगा ही होगा, प्लस जब आपको मैच्योर अमाउंट मिलेगा 15 साल बाद उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। तो ये बहुत बेनिफिट वाली चीज है। अगर आप टैक्स पेयर मतलब आप टैक्स पे करते हैं, आप कंपनी में जॉब करते हैं, तो आप इसे पीपीएफ में पैसा जमा कराकर उसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, 15 साल बाद जो अमाउंट मिलेगा उसमें भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये मैंने खुद ओपन करा रखा है 3-4 साल से। मैंने इसे वीडियो में देखा कि इसके ज्यादा वीडियोज नहीं है, लोगों को इसकी समझ नहीं है और लोग चाहते हैं पीपीएफ के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, इसलिए मैंने ये वीडियो तैयार किया। थैंक यू सो मच।